नमस्कार, टारगेट विद आलोक के करंट इवेंट्स में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का विषय है भारत वियतनाम शिखर सम्मेलन और प्रमुख समझौते। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वियतनाम के प्रधानमंत्री गुएन जुआन फुक के साथ वर्चुअल शिखर सम्मेलन में भागीदारी की, जिसमें दोनों ने मौजूदा द्विपक्षीय सहयोग की पहलों की समीक्षा की है। भविष्य में भारत वियतनाम व्यापक रणनीतिक साझेदारी के मार्गदर्शन के लिए शिखर सम्मेलन के दौरान शांति, समृद्धि और लोगों के लिए एक संयुक्त दृष्टिकोण नाम के दस्तावेज को अपनाया गया। शिखर सम्मेलन की शुरुआत में प्रधानमंत्री ने वियतनाम को भारत की एक्ट ईस्ट नीति की एक अहम कड़ी बताया और कहा कि भारत अपने मित्र देश से लंबे समय के लिए रणनीतिक साझेदारी की उम्मीद करता है। दोनों देश हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमन, शांति व स्थायित्व के समर्थक हैं और इनकी साझेदारी इस क्षेत्र में शांति स्थापित करने में अहम भूमिका निभा सकती है। भारत और वियतनाम के बीच रक्षा, पेट्रो रसायन और न्यूक्लियर ऊर्जा समेत 7 अहम क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जो इस प्रकार है। दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग बढ़ाने और उसका फ्रेमवर्क बनाने के लिए रक्षा उत्पादन विभाग भारत और रक्षा विभाग राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय वियतनाम के बीच समझौता। हनोई स्थित भारतीय दूतावास और वियतनाम के राष्ट्रीय दूर संचार विश्वविद्यालय के बीच इन्हा ट्रांग में आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क बनाने के लिए $5 मिलियन के भारतीय अनुदान पर सहमति। संयुक्त राष्ट्र के शांति स्थापना कार्यों के केंद्र के लिए भारत और वियतनाम के बीच संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के कार्यान्वयन पर समझौता। विकिरण और परमाणु सुरक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के नियामक निकायों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत के परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB और वियतनाम एजेंसी फॉर रेडिएशन एंड न्यूक्लियर सेफ्टी के बीच समझौता। पेट्रोलियम अनुसंधान और प्रशिक्षण में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए CSIR भारतीय पेट्रोलियम संस्थान और वियतनाम पेट्रोलियम संस्थान के बीच समझौता। वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रशिक्षण, स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं, कैंसर रोगियों के निदान और उपचार में सहयोग के लिए टाटा मेमोरियल सेंटर ऑफ इंडिया और वियतनाम नेशनल कैंसर हॉस्पिटल के बीच समझौता। नेशनल सोलर फेडरेशन ऑफ इंडिया और वियतनाम क्लीन एनर्जी एसोसिएशन के बीच समझौता। आइए अब इस वर्चुअल शिखर सम्मेलन की प्रमुख घोषणाओं पर एक नज़र डालते हैं। भारत सरकार द्वारा वियतनाम के लिए $100 मिलियन की डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत वियतनाम बॉर्डर गार्ड कमांड के लिए हाई स्पीड गार्ड बोट SSGB विनिर्माण परियोजना का कार्यान्वयन किया जाएगा। वर्तमान में जारी 5 वार्षिक त्वरित प्रभाव परियोजनाओं की संख्या को चालू वित्त वर्ष 2021-22 में बढ़ाकर 10 तक कर दिया जाएगा। वियतनाम में विरासत संरक्षण के लिए 3 नई विकास भागीदारी परियोजनाओं के जरिए मायसन में एफ ब्लॉक के मंदिर, क्वांग नाम प्रांत में डोंग डुओंग बौद्ध मठ और फुयन प्रांत में नन चाम टावर को विकसित किया जाएगा। इस सम्मेलन में दोनों नेताओं ने कहा है कि दक्षिण चीन सागर और इससे जुड़े समुद्री विवाद को सुलझाने के लिए संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में कार्यरत यूएन क्लॉज यानी समुद्री कानून के लिए संयुक्त राष्ट्र समझौते को अमल में लाना चाहिए। इन दोनों ने संयुक्त बयान में कहा है कि यूएन क्लॉज के नियमों और सिद्धांतों के जरिए ही समुद्री सीमा विवादों को सुलझाना इस क्षेत्र की शांति के लिए बेहतर होगा। गौरतलब है कि भारत लद्दाख में और वियतनाम दक्षिण चीन सागर में चीन के आक्रामक व्यवहार का सामना कर रहा है। अब इन दोनों देशों के बीच रक्षा समझौता चीन पाकिस्तान गठजोड़ को कड़ा संदेश होगा। इस समझौते के माध्यम से वियतनाम ने यह बता दिया है कि उसे न केवल भारत का समर्थन हासिल है, बल्कि वह भी साउथ चाइना सी में मुक्त आवागमन के भारत की मांग का समर्थन करता है।